व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। माय नेम इज YTD शक्ति और आप सभी देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रेपसोल ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला आप सभी के यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, जैसा कि आप सभी थंबनेल देख के जान ही गए होंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं कि अभी तक उनके जो सस्पेक्ट डाटा शो हो रहे थे, अभी भी उनके सस्पेक्ट डाटा शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूँ, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आप सभी के सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल ओपन खोले गए थे कि जो भी छात्र के करेक्शन हैं वो अपने करेक्शन को करवा के अपने कॉलेज में जमा कर दें, ठीक है। इसमें ज़्यादातर छात्र अपने फॉर्म में करेक्शन नहीं करवा पाए थे। इसके बाद आप सभी के कॉलेज पे समाज कल्याण विभाग के द्वारा सस्पेक्ट डाटा भेजा गया, जिससे कि आप सभी के जो भी स्टूडेंट्स के करेक्शन थे उसको आप सभी के कॉलेज के द्वारा सस्पेक्ट डाटा बना के जो भी पात्र छात्र थे उनके, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 4 मार्च को आप सभी के डाटा लॉक किए जाने थे। बट आप सभी के जो दो दिन आप सभी के डेट को बढ़ा के 6 मार्च तक कर दिया गया था। तो आप सभी के जो डाटा हैं, जो भी करेक्शन था, आपके कॉलेज के द्वारा समाज कल्याण विभाग में जमा कर दिया गया था, ठीक। तो ऐसे में आप सभी के जो स्टेटस अपडेट होना शुरू हो गए हैं और अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स के सस्पेक्ट डाटा शो हो रहे हैं। तो आप सभी के कमेंट लगातार आ रहे हैं कि अभी भी मेरा जो भी प्रॉब्लम सस्पेक्ट डाटा का शो हो रहा है वो आप सभी कमेंट कर रहे हैं मुझे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कंफर्म कि जो भी छात्र के सस्पेक्ट डाटा शो हो रहे हैं उनके कब तक सही होंगे और क्या चीज़ कब तक सही हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम शो हो रही है, और जो भी छात्र के पेंडिंग में डाटा शो हो रहा है, ठीक, जो भी स्टूडेंट्स के स्टेटस में अभी भी पेंडिंग यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से पेंडिंग शो हो रहा है और काफ़ी स्टूडेंट्स के वेरीफाई भी होना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में इस वीडियो में हम इसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप सभी के जो सस्पेक्ट डाटा शो हो रहे हैं कब तक कन्फर्म सही हो जाएंगे और आप सभी के जो स्टेटस है कब तक वेरीफाई कर दिए जाएंगे और आप सभी के स्कॉलरशिप कब तक आना शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, चैनल पर नए विजिट किए हैं अगर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बिना समय को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सभी के यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ आप सभी के सस्पेक्ट डाटा, जैसा कि आप सभी के अभी भी ज़्यादातर छात्र के सस्पेक्ट डाटा शो हो रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, ऐसे छात्र जिनके स्टेटस में इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच की समस्या शो हो रही अभी भी, वे छात्र 100% आप सभी परेशान ना रहें, क्योंकि जिनके भी स्टेटस में रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मैट की समस्या आ रही है, ठीक है, नॉट मैच की समस्या आ रही है, ऐसे छात्रों का कंफर्म अपडेट हो जाएगा और सही हो जाएगा, ठीक है। आप सभी के जो स्टेटस है वेरीफाई हो जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा भी परेशान ना रहें। और रही ज़्यादातर स्टूडेंट्स के और भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे में, ठीक है, बहुत से छात्र के और भी कोई सस्पेक्ट डाटा शो हो रहा है। तो ऐसे में जो पात्र छात्र हैं, ठीक है, जो पात्र छात्र हैं उनके स्टेटस को सही कर, उनके स्कॉलरशिप फॉर्म को सही करके वेरीफाई कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल से। तो आप सभी परेशान ना रहें, जो भी पात्र छात्र हैं उनके फॉर्म को सही करके वेरीफाई कर दिया जाएगा। बट काफ़ी जो कमेंट आ रहे हैं आप सभी के इनरोलमेंट वाली, ठीक है, तो इनरोलमेंट के द्वारा मैं आप सबको बता दे रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम अभी भी शो हो रहा है स्टेटस में कि इनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच की समस्या शो हो रही है, ऐसे छात्र थोड़ा सा भी परेशान ना रहें, उनके स्टेटस को 100% सही करके वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो आप सभी निश्चिंत रहें, अपने स्टेटस को लगातार चेक करते रहें। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि रिन्यूअल के, जो भी यूजी एंड पीजी के जो रिन्यूअल के छात्र हैं, यानी कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के जो छात्र हैं, उनके अभी भी अगर आप अपने स्टेटस को चेक करने जाएंगे तो उसमें VR सॉरी करके प्रॉब्लम आ रही है। तो आप सभी भी थोड़ा सा भी परेशान ना रहें, आप सभी के भी स्टेटस 1 से 2 दिन में चेक होने लगेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी के जो स्टेटस है वेरीफाई होकर मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के वेरीफाई होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो भी फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के छात्र हैं, उनके फॉर्म जो वेरीफाई होना शुरू हो गए हैं। तो जो भी रिन्यूअल के पोस्ट मैट्रिक अदर दिन के छात्र कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सा भी परेशान ना रहें, उनके भी स्टेटस को वेरीफाई कर दिया जा रहा है। जब भी आप सभी की साइट सही होती है, आप सभी के आशा करते हैं अपडेट होके मिलेगा, वेरीफाई होके मिलेगा। तो परेशान ना रहें। और जो भी छात्र, ठीक है, जो भी छात्र के स्टेटस में पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल से दिखा रहा है, ठीक, उनके स्टेटस को 12 मार्च तक
वेरीफाई कर दिया जाना, ठीक है। जो भी छात्रों के करेक्शन, कोई भी करेक्शन है, उनके जो पात्र छात्र हैं उनके स्टेटस को 12 मार्च तक वेरीफाई कर दिया जाएगा, और जिनके भी स्टेटस में पेंडिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल से पेंडिंग दिखा रहा है, उनके भी स्टेटस को 12 मार्च तक वेरीफाई कर दिया जाना है। और रही बात ऐसे कौन से छात्र हैं जिनके स्कॉलरशिप आना शुरू हुए हैं, यानी कि स्कॉलरशिप आना शुरू हो जाएंगे, तो बहुत से ऐसे छात्र हैं, ठीक है, जैसा कि आप सभी ये कमेंट आ रहे हैं, जिनके छात्र ऐसे छात्र जिनके डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई हो गए हैं, बहुत से छात्र कमेंट किए हैं। तो ऐसे में जिन छात्रों के डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई हो गए हैं, ठीक है, ऐसे छात्रों का, वेरीफाई वाले छात्रों का 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च से आप सभी के जो स्कॉलरशिप है आना शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी परेशान ना रहे, जो भी करेक्शन है आप सभी के 12 मार्च तक सही कर दिए जाएंगे और वेरीफाई भी होना शुरू हो जाएगा। और जो भी छात्र के डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई है उनके फॉर्म, उनकी स्कॉलरशिप 22 मार्च से आना शुरू हो जाएंगी यूजी एंड पीजी के छात्रों की। तो आप सभी काफ़ी परेशान ना रहें, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आप सभी को कन्फ्यूज़न है तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को जल्द से जल्द रिप्लाई देना प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यह जानकारी आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप सभी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आप सभी को जल्द से जल्द रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नए विजिट किया और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को देता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।